सरफराज क्वेटा जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है, इस बार होम क्राउड पर आप परफॉर्म करेंगे, तो क्या कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए जी, एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा हाई है और आपको पता है कि डिफेंडिंग चैंपियन है तो ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा होता है, तो कोशिश करेंगे जिस तरीके से हमने 4 साल में बेहतरीन क्रिकेट खेली है तो उसी को जारी रखें और इंशाल्लाह अच्छे क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि आपको लगता है कि आप लोग फाइनल्स में होंगे? देखिए ये कहना तो बहुत मुश्किल है, ऑब्वियसली हर टीम की ख्वाहिश है कि वो फाइनल में पहुँचे और फाइनल जीते, तो देखें ये टूर्नामेंट के आगाज़ से पता चलेगा कौन सी टीम कितनी फॉर्म में है, क्योंकि 10 मैचेस हैं तो आई थिंक मिडिल राउंड में आपको आगे पता चलेगा कौन सी टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग जा रही है टूर्नामेंट में। अच्छा आप अपने साथ फाइनल्स में वैसे किस टीम को देखना चाहेंगे? क्वेटा ग्लैडिएटर के सामने हमेशा की तरह आपकी रिवायती जो कंपेटिटर्स हैं पेशावर जलमी को देखना चाहेंगे आप, या जो के कभी परफॉर्म नहीं कर पाए, कभी नहीं पहुँचे, लाहौर कलंदर्स या कराची किंग्स? देखिए पहले तो ख्वाहिश है कि क्वेटा ग्लैडिएटर दोबारा फाइनल में पहुँचे, और ऑब्वियसली कोई भी टीम आए ऑब्वियसली जब फाइनल में पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली उनको हराने की ख्वाहिश होगी, तो जो भी अच्छी टीमें होंगी ज़रूर वो फाइनल में आएंगी। अच्छा अच्छा ये बताइए कि आपके पास बॉलिंग में तो दो दो ट्रम्प कार्ड हैं इस बार, आपके पास जो है हसनैन है, आपके पास नसीम शाह है, तो आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए ऑब्वियसली जब आपके पास इतने टैलेंटेड और यंग फास्ट बॉलर हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि T20 फॉर्मेट जो है ऐसा फॉर्मेट है जिसमें किसी दिन भी बॉलर का बुरा दिन आ सकता है, तो ऑब्वियसली हमारे पास दो ऐसे बॉलर्स हैं जो कि एक तो यंग भी हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग और तेज़ बॉल करना जानते हैं, तो कोशिश करेंगे उनको अच्छे तरीके से यूज़ करें और अच्छी प्लानिंग के साथ उनके साथ ग्राउंड में उतरें। अच्छा और बैटिंग में आप किसकी तरफ करेंगे? अपने गैर मुल्की प्लेयर्स की तरफ आप देखेंगे या जो आपका अपना स्लॉट है अहमद शहजाद या जो है उमर अकमल, आप किस 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 पे वो बैंक करेंगे? देखें ऑब्वियसली आपके जो कोई भी टीम ऐसी होती है अगर उनके फॉरेन प्लेयर परफॉर्म कर रहे हो और यंग और उनके लोकल प्लेयर परफॉर्म कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, अगर आप पिछले साल देखें तो अहमद ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उमर अकमल ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया, तो ऑब्वियसली हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं, एहसान अली हैं, जेसन रॉय की इस बार टीम में वो आए, उनके आने से हमारी टीम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है, वॉटसन है, तो हमारे पास ऐसे बैट्समैन हैं जो कि अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को ट्रैवलिंग जो है वो बहुत करना है, मतलब जो है आपको मुल्तान में भी खेलना है, लाहौर में भी खेलना है, तो पिंडी में भी खेलना है, तो आप ये बताएं कि उससे आप लोगों की परफॉर्मेंस पे तो कोई आपको नहीं लगता कि इफ़ेक्ट करेगा? देखिए आई थिंक जो इस बारे में जो भी बात है आई थिंक वो नदीम भाई ने बेहतर क्रिकेट बोर्ड से बात की, ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस चीज़ को एडजस्ट करें। अच्छा ये बताएं कि सरफराज जब आप ये सुनते हैं, जब लोग आपसे ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जब ग्राउंड में ये आवाज़ें लगती हैं कि सरफराज जो है वो आ गया ग्राउंड में, सरफराज धोखा नहीं देगा, और जो है जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीतता है तो आपकी फीलिंग्स कैसी होती हैं उस वक्त? देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप किसी टीम की भी कप्तानी कर रहे हो और आपकी टीम जीते तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और ऑब्वियसली जब भी टीम जीतती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा और जब जीत कर पिछले साल जब आप लोग क्वेटा गए थे तो वहाँ के लोगों का रिस्पांस कैसा था? देखिए बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस था वहाँ के लोगों का, जिस मोहब्बत का इजहार किया आई थिंक वो सबके सामने था, जिस तरीके से उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, रोडों पर हज़ारों लोगों की तादाद में जो है वो लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो बहुत ज़्यादा लोग खुश थे और उन्होंने हमारा बहुत शानदार इस्तकबाल किया। अच्छा और ये बताइए कि कराची में तो जाहिर है फ़ैन फॉलोइंग क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो है वो बहुत है, क्वेटा में भी है, तो आपको लगता है बाकी ग्राउंड्स में भी लाहौर कलंदर्स, जब आप लाहौर कलंदर्स के सामने लाहौर में होंगे, जब आप मुल्तान सुल्तान के सामने मुल्तान में होंगे, तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को वैसे ही फैंस चीयर अप करेंगे? देखें क्वेटा ग्लैडिएटर्स की एक वाहि टीम है जिसको लोग जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान से बाहर भी, क्योंकि वो उसकी वजह ये है कि टीम जो है बहुत ज़्यादा मिलजुल के खेलती है और ग्राउंड में लड़ती हुई नज़र आती है, तो आई थिंक मुझे पूरी उम्मीद है कि जहाँ भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स खेलेगी उसको भरपूर सपोर्ट मिलेगी। अच्छा सरफराज और ये बताइए कि एज अ कैप्टन आप जो है वो स्ट्रिक्ट कैप्टन रहेंगे इस बार, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत हाई है, होम ग्राउंड है, फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं, सारा कुछ है, तो आप ये बताइए कि आप क्या स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन कैप्टन रहेंगे या थोड़ा सा फ्रेंडली या थोड़ा सा इस तरह रहेंगे? देखिए फ्रेंचाइज से कप्तानी करना एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको जो है मुख्तलिफ प्लेयर के साथ जो है आपको वो खेलना पड़ता है और आपके पास टाइम भी बड़ा कम होता है, क्योंकि कुछ प्लेयर जो हैं वो टूर्नामेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग में आते हैं, कुछ थोड़ा बाद में आते हैं, तो सबको लेके साथ चलना पड़ता है, तो फ्रेंडली माहौल जितना अच्छा रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा और ये बताइए कि आपके जो मेंटोर हैं विविन रिचर्ड्स, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऑब्वियसली उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना ये बहुत बड़े एजाज की बात है, और
वो उनका ड्रेसिंग रूम में होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और जिस तरीके से वो टीम को मोटिवेट करते हैं, आई थिंक उनसे अच्छा शायद कोई भी मोटिवेट नहीं करता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज, आपने हमें टाइम दिया। रावा बाखबर बाशऊर पाकिस्तान।